हेलो हाय स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 बुक फ्लेमिंगो। आज आपकी जो क्लास 12 की जो बुक फ्लेमिंगो है उसका चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है द डीप वाटर बाय विलियम डगलस, इसको पढ़ेंगे। क्योंकि एक्चुअली में दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ इवेंट इंसिडेंट है ना, दैट इज अकर्ड विद विलियम डगलस। ये जो स्टोरी है विलियम डगलस के ने जो अपने रियल लाइफ में इसको फेस किया हुआ है उस पर बेस्ड है। तो स्टोरी है ना इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोफोबिया। एक वर्ड होता है हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया बेटा आप लोगों को पता होगा हाइड्रोफोबिया मीन्स क्या होता है, सबको पता होगा हाइड्रोफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर यानी कोई भी शख्स कोई भी पर्सन इसको अगर पानी से डर लगता है बोल सकते ही हैज द हाइड्रोफोबिया, उसके अंदर हाइड्रोफोबिया है। This story is based on है ना this fear। So बताया गया है इसमें किस तरीके से जो विलियम डगलस है उनके अंदर पानी का डर बैठ जाता है, वो पानी से इतने डर जाते हैं है ना। तो इट वॉज द टाइम वेन द विलियम डगलस वॉज हार्डली 3 years old। ये कहानी उस समय की है, तो जब आपके जो विलियम डगलस है वो 3 years के आसपास के थे, तब क्या होता है ही वेंट टू द सी। वो अपने फादर के साथ में सी जाते हैं है ना। और क्या होता है वहां पर एक ऐसा इंसिडेंट होता है ना, सी आप सभी सी पर जाते हो तो आप सबने देखा होगा क्या होता है कि वहां पर कभी कभी बड़ी वेव्स आती है जो लोगों को पानी में भिगोती है चली जाती है। तो ऐसे ही जब वो सी के किनारे थे तो एक बड़ी हैवी सी वेव्स आती है, और क्या होता है कि पूरी की पूरी हैवी वेव्स उनको पानी से भिगो देती है, और क्या होता है कि कुछ पल के लिए वो पानी में ढक जाते हैं, मतलब पानी में वो डूब जाते हैं। तो तब से क्या होता है जब वो बाहर निकलते हैं तो क्या होता है उनके फादर वहां हंस रहे होते हैं, लेकिन जो नरेटर है लगता है क्या है कि ये पानी से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इनको क्या लगा कि ये तो लोग मरने ही वाले थे। तो तब से क्या था इनके मन में ये पानी का डर जो था वो बैठ गया था। अब क्या होता है कि अब ये लगभग अप्रोक्स आपके 11 years के आसपास थे, 11 years है ना। तो क्या होता है देन ही डिसाइडेड है ना कि ही मस्ट ओवरकम फ्रॉम दिस फियर। जब वो 11 years के थे तो डिसाइड करते हैं कि उनको इस पानी के डर से बाहर निकलना है। मीन क्या है कि ही वॉन्ट्स टू गेट इट ऑफ दिस हाइड्रोफोबिया, यानी कि वो इस जो पानी का जो डर था इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं। देन क्या होता है दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड गो टू द पूल वेयर ही वॉन्ट टू स्विमिंग एंड ही वॉन्ट टू गेट इट और ओवरकम फ्रॉम दिस फियर। तो क्या होता है कि घर के पास में एक पूल था, वो वहां जाते हैं, जबकि उनके घर के पास में एक याकिमा रिवर भी थी, याकिमा रिवर थी। तो लेकिन वो रिवर पे नहीं है, वो कहां थे पूल पर जाते हैं, इसका नाम YMCA पूल है। वो वहां पर जाते हैं, क्यों जाते हैं पूल पर, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं रिवर पर अगर मैं स्विमिंग के लिए गया तो क्या होगा, तो वहां पर दिस नो पर्सन हु वुड हेल्प मी। अगर मैं इस रिवर पर मैंने कोशिश की तैरने के लिए है ना, तो अगर मैं वहां डूब भी गया तो वहां मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, जबकि अगर मैं पूल पर जाऊंगा तो वहां पे लॉफ आउट है ना, वहां पर क्राउड होगा, वहां पीपल्स होंगे, वो पीपल्स मेरी हेल्प करेंगे। दैट्स व्हाई ही चूज है ना टू गो टू द पूल। तो क्या होता है कि वन डे ही वेंट टू द पूल, वो पूल पे जाते एक दिन, और क्या होता है कि है ना ही सॉ देयर दिस नो वन एट द पूल। क्या देखते हैं कि जब वो पूल पे जाते एक दिन तो वहां पूल पर कोई नहीं होता, पूल खाली पड़ा हुआ है। और वो क्या देखते हैं कि जो पूल है, पूल क्या है कि पूल लगभग एक तरफ लगभग 2 meters इसकी डेप्थ है और एक तरफ क्या वो 9 meters है। तो वो इस साइड खड़े होते, तभी क्या होता है वहां पर एक बड़ा एक हैंडसम सा एक हॉटी डॉटी एक बड़ा हट्टा कट्टा एक हेल्थी लड़का आता है। क्या होता है वो कि जब क्या होता है बोलता है हाई स्किमिंग है ना, ऐसे बोलता है, और क्या होता है उस राइटर को पकड़ उस पानी में रख देता है। और कहां रखता है इस साइड में, इससे पहले है ना, इससे पहले राइटर को सोच पाता उससे पहले क्या होता है वो शख्स आता है लड़का और राइटर को पटक देता है पानी में, और राइटर पानी में क्या होता है पहुंच जाता है। अब राइटर अंदर अंदर क्या वो डर गया है, अब सोच रहा है मैं कैसे निकलूं, तन्ना उसे मुझसे तन्ना तो आता नहीं। तभी क्या होता है कि राइटर डिसाइड करता है कि एज ही रीच द बॉटम, क्या होगा जैसे ही वो बॉटम पर जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही उसके फीट बॉटम से टकराएंगे जो बॉटम है पूल का, तो क्या करेगा वो अपनी फुल एफर्ट से पूरे पूरे फोर्स से क्या करेगा उनको पुश करेगा, प्रेस करेगा, और क्या होगा जिससे कि वो जैसे ही बाहर निकलेगा तो फिर वो तैर कर जिस साइड में पानी कम है द डेप्थ कम है पूल की वहां पहुंच जाएगा, वहां से बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब क्या जब वो नीचे जा रहा है तो वो सोच रहा है कि भाई बड़ा ये 9 meters बड़ा लेंथ ही लग रहा है उसको,
लग रहा है 90 मीटर हो गया, मतलब अभी तक वो उसकी हिम्मत उसका साथ नहीं दे रही है, वो डर रहा है ना, उसकी जो सांसें हैं वो फूल रही हैं, और एक्चुअली में क्या होता है कि उसके पैर जमीन तक पहुंच ही नहीं पाते, वो डरा हुआ है और उसने पूरे एफर्ट्स कर लिए और लग रहा है कि उसको उसकी जो बीन से जो नसें हैं वो क्या है फटने वाली है, और वो बहुत सारे एफर्ट तक जैसे ही अब वो जैसे ही वो बॉटम पर पहुंचा उसके पैर पहुंचने वाले थे, क्या होता है वो कोशिश करता लेकिन वो उसके लेकिन वो फोर्स नहीं लगा पाता, और क्या होता है उसके बाद वो पानी में क्या होता है डूब जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो क्या देखता है वो कि ही वॉज आउट ऑफ द पूल है ना, एंड बिसाइड देयर इज अ बॉय हु ना हु थ्रो थ्रू हिम ऑन द इन इन टू द पूल ही वॉज स्टैंडिंग हियर, क्या देखता है वो कि अब वो लड़का जो सामने खड़ा हुआ है और वो पूल से बाहर जिसने उसको फेंका था वो हंस रहा है, बोलता है मैंने तो मजा किया था, वो तो सच में डूब गया। तो ये क्या होता है कि जैसे ही है ना वो अब उसके बाद क्या होता है कि साथ में ये होता है इंसिडेंट, अब क्या होता है कि उसके बाद फिर वो वहां से भागाता है, फिर दोबारा कभी भी वो वहां नहीं गया, अब फिर टाइम बीतता गया, अब क्या होता है कि टाइम बीतता गया फिर क्या होता है कि एक बार फिर जो आपका जो राइटर है विलियम वेलेस है ना ही अगेन डिसाइडेड है ना क्या बोलते हैं कि आई मस्ट ओवरकम ऑफ माई फियर, क्या बोलता है कि अब कुछ इस इंसिडेंट के कुछ सालों बाद दोबारा सोचते हैं कि भाई मुझे इस वाटर के जो फियर है जो हाइड्रोफोबिया है इससे मुझे बाहर निकलना है, मुझे इससे निकलना ही निकलना है। तो क्या होता है कि नाउ ही डिसाइडेड टू हायर अ ट्रेनर अ ट्यूटर, क्या किया उसने इसने इस बार को खुद नहीं गया अब क्योंकि रिवर पर या पूल पर खुद जाकर तैयार हुआ, क्या किया है कि इस बार उसने बेटा अब उसने ट्यूटर रखा हुआ है ट्रेनर है ना हु विल ट्रेन हर जो कि उसको ट्रेन करेगा और उसको सिखाएगा। तो वो जाता है ट्रेनर को रखता है, अब क्या देखता है कि अब ट्रेनर उसको ट्रेन कर रहा है, तो जब भी ट्रेनर उसको स्विमिंग करना सिखाता क्या करता है उससे पहले वो उसको बेल्ट से बांध देता था किसके लिए इस राइटर के लिए रेस के लिए, अब उसने ट्रेनर जो रखा हुआ ट्रेनर क्या है कि ट्रेनर बड़ी सिस्टम एक सिस्टमिक वे में उसको ट्रेन कर रहा है, और जब भी वो पानी में अंदर तैरने जाता कोशिश करता तो क्या होता कि जो ट्रेनर था उसको एक रोप से रस्सी से बांध कर उसको तब अंदर जाता, जिससे क्या था जैसे ही वो डी वाटर में आएगा तो जो उसकी बेल्ट है उसकी हेल्प करेगी बाहर निकलने में। इसके बाद वो महीनों बीतते यहाँ पर, पहले उसको वो उसकी लेग चलाना सिखाता कैसे पैर को चलाते पानी में, फिर उस है ना फिर उसको प्रैक्टिस कराता, फिर उसके आर्म्स को मतलब कहने का यह है कि स्टेप बाय स्टेप जो ट्रेनर था वो उसको ट्रेन कर देता है। और होता क्या है कि एक दिन जब ट्रेनर उसके घर पर नहीं होता तो क्या होता है एक दिन जब ट्रेनर उसके उसके है ना वहां नहीं होता तो जो राइटर है क्या होता है वो खुद स्विम करता है, और क्या देखता है कि वो अब कम्प्लीटली एबल है, अब वो ट्रेन हो गया है। लेकिन होता क्या लेकिन अब उसके मन में अभी भी कहीं ना कहीं फियर है, तो वो उस फियर को खत्म करने के लिए क्या किया उसने है ना उसने कई सारे वो आइलैंड्स में गया जहाँ पर उसने है ना सी में ओशियंस में उसने डाइव लगाया, उसने कई सारे ओशियंस को क्रॉस किया, वो केवल किसके लिए कि जो डर था उसका कि क्या मैं कम्प्लीटली मैंने मुझे तैरना आया कम्प्लीटली मुझे इस मुक्ति मिली मेरे डर से, तो उसने कई सारे ओशियंस को कई सारे सीज को उसने क्रॉस किया इस तरीके से उसने मतलब फाइनली क्या होता है फाइनली है ना ही ओवरकम फ्रॉम हिज फियर, क्या होता है फाइनली वो अपने फियर से मुक्ति पा लेता है। और इसमें बताया गया राइटर ने है ना कि वाई डू वी फियर फ्रॉम डेथ, कि किसी भी शख्स को किसी भी इंसान को डेथ से क्यों डरे, डेथ एक बोलता है कि डेथ तो बड़ी सिंपल चीज है बड़ी पीसफुल चीज है, तो बोलते हैं कि इफ यू वांट टू फियर है ना तो यू हैव टू फियर फ्रॉम इटसेल्फ फियर ऑफ इटसेल्फ, कह रहा है कि इस दुनिया में डरना कोई चीज नहीं है वो है तो क्या है खुद ही डर है, यानी किसी भी इंसान को डेथ से मौत से नहीं डरना चाहिए क्योंकि मौत तो बड़ी पीसफुल है बड़ी शांति से उसके बड़े बड़ी पीस मिलती है, और डरना तो क्या है वो डर ही खुद है, डरना तो क्या है वो डर ही खुद है, तो किसी भी इंसान को डर से ही डरना चाहिए ना किसी और चीज से, मरने से क्या डरना, मरना तो सबको है, मरना तो एक डेथ तो एक बड़ी पीसफुल है उसके बाद इंसान को बड़ी पीस मिलती है शांति मिलती है, जो डर है वो क्या है वो खुद ही एक डर है जिससे हमको क्या होना चाहिए डरना चाहिए। तो स्टूडेंट ये इसकी समरी थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, तो फिर मिलते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इसको लाइक और शेयर करते हैं जिससे कि ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहे आगे, तो तब तक के लिए टेक केयर।